स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको आज की रेडियो बुलेटिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैदानी अफसरों से कहा है कि आपस में सुशासन खेलें, प्रतिस्पर्धा होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा। उन्होंने कलेक्टर पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे से बात करेंगे। इस दौरान योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं को छोड़कर लोगों की समस्याओं का एजेंडे होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता का फीडबैक लिया जाएगा, जिसके आधार पर बात होगी। चरित्र पर सवाल उठाते हुए एक शराबी पति ने पत्नी के साथ राक्षसों जैसी हरकत कर दी। उसने फर्श से पत्नी के बाएं हाथ की हथेली और बाएं पैर का पंजा काट दिया। पड़ोसी ने जब चीख पुकार सुनी तो पुलिस को सूचना दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को हमीदिया में भर्ती कराया गया है। मामला निषादपुरा स्थित पारस कॉलोनी का बताया जा रहा है। मुरैना में एसपी बंगले के पास एटीएम कैश वैन को लूटने का प्रयास करने वालों को 16 घंटे में ही पुलिस ने सबक सिखा दिया। मंगलवार सुबह 4:30 बजे अंबाह के बरे व अयोध्यापुरी मोड़ पर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी पोजीशन लेकर गोलियां चलाई। इसमें एक गोली इंटरस्टेट लुटेरे रामप्रीत गुर्जर के पैर में लगी और वो वहीं घायल होकर गिर पड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ता जा रहा है। 57 दिन बाद बुधवार को कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इनमें 53% मामले इंदौर और भोपाल के हैं। 3 मरीजों की मौत भी हुई। इससे पहले 10 जनवरी 2021 को प्रदेश में 620 नए मामले सामने आए थे। वहीं बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु भी संक्रमित हो गई। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इंदौर की एक युवती से हैदराबाद के युवक ने दुबई में शादी की। शादी से पहले उसने युवती से वादा किया कि धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, लेकिन बाद में उसे धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित करने लगा। युवती अपनी बेटी के साथ इंदौर लौट आई। पति ने यहाँ भी परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने पति के खिलाफ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हुए बावरी वीडियो, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में बावरी के बारे में कह रहे हैं कि तर्ज पर मुख्यमंत्री ने माफिया को ललकारा है। मंगलवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वर्शन सेंटर में निर्माण सोसाइटी के हितग्राहियों के लिए हुए आयोजन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है, मेरी प्रशासनिक टीम है, आप देखो वो माफिया भाग रहा है। भूमाफिया को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि माफिया भाग जाओ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, नहीं तो 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। आज की रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।